जहाँ मतलब किलो लेते थे वहाँ पाल लेते हैं, वहाँ आधा किलो लेते हैं, पर टमाटर बिना चलता नहीं है ना। वहाँ इतना महंगा टमाटर में खरीद नहीं पा रहे हैं काका, मतलब हम लोग कैसे खाएंगे, गरीब आदमी ये नहीं सोच सकते। तो महंगाई गरीब पे ही पड़ रही है, अमीर आदमी खूब खा रहे हैं, गरीब आदमी मार खा रहे हैं। इधर 10 रुपए किलो बिक रहा है, जब कुछ नहीं बोला कोई किसान जो मर रहा था, और थोड़ा महंगा हुआ किसान की कमाई है तो आप सब चिल्लाने लगी पब्लिक। बाढ़ आ रही है हर जगह, तो वो सब्जी कहाँ से उगेगी। मौसम का अगर अंदाज लगाना है ठंडे गर्म का, तो बाहर आपको निकलना होगा। और इन दिनों जिस तादाद में सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं, उसको देखते हुए अगर आप सब्जी मंडी नहीं आएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आलू और प्याज का दाम क्या है। फिलहाल हम इस समय जो नोएडा के एक मंडी में है, और वहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये सब्जी की दुकानें लगी हुई। लोगों का ये कहना है कि सब्जियाँ काफ़ी महंगी हैं इस वक्त। सब्जियों के रेट लेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे दुकानदार से भी और ग्राहकों से भी कि आखिर क्या वजह है इस सब्जी के महंगे होने का। अच्छा, ये कटहल क्या रेट चल रहा है भैया? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। अच्छा, सस्ता है इस समय या महंगा है इस समय? रेट टाइट है जी। रेट टाइट है यानी थोड़ा महंगा है। हाँ जी। अच्छा, और हमारे सबसे ज़्यादा जो बदनाम है इस समय, इन दिनों सबसे ज़्यादा बदनाम है टमाटर। टमाटर के दाम जो है आसमान में, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भाव बढ़े। दुकानदार भाई से हम पूछेंगे कि टमाटर क्या रेट बेच रहे हैं भैया आज, क्या रेट है? 160 रुपये किलो। अच्छा, ये कम क्यों नहीं हो रहा, क्या इसके कारण नहीं हो रहा? ऊपर वाला जिम्मेदार है, बारिश नहीं हो रही है। अच्छा, बरसात में कहाँ से आएगा माल, खाने अच्छा वाले तो पूरे हो, जब माल पैदा नहीं हुआ तो निकले कहाँ से। अच्छा, ये तो इसलिए महंगा होने से पूरा हो जाएगा। महंगा जब पैदा नहीं होगा तो खाने वाले सब होना, खाना थोड़ी बंद कर दोगे, खाना बंद कर दोगे। हाँ, इसीलिए महंगा है। अच्छा, और क्या क्या, ये बीन्स कैसे हैं? बीन्स भी 140 रुपये किलो है। ये तो भाई हर सीजन में होना है। और ये शिमला मिर्च? शिमला मिर्च 40 रुपये पाओ। और ये पत्ता गोभी? पत्ता गोभी 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। और ये खीरा? खीरा 30 रुपये किलो। और मिर्च का भी बहुत रेट पड़ा है। हाँ, मिर्च 15 की 100 ग्राम, 15 रुपये की 100 ग्राम, यानी कि 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। अच्छा, और ये धनिया? धनिया 30 का 100 ग्राम है। 30 का 100 ग्राम, यानी 300 रुपये किलो। हाँ जी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि सब्जियों के जो दाम हैं, वो धनिया है, मिर्च है, और जो टमाटर हैं, इन तीनों की, जो कि मतलब एक माइन्यूट जो या कहें कि सबसे एसेंशियल है सब्जियों में से। अच्छा, अब दुकानदार से तो बात हो गई, ग्राहक से हम अगर बात करें। अच्छा, इस समय सब्जियों के दाम क्या लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा सर, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा आंटी, ये बताइए, आप सब्जी लेने आई हैं, कैसा रेट है इस समय जो पिछले दिनों के अपेक्षा? बहुत महंगा है, मतलब खाने वाला तो है ही नहीं। जैसे टमाटर हो गया, देख लो लहसुन ऐसे महंगा इतना दे रहा है, 40 रुपये पाव अदरक दे रहा है, मतलब हम लोग कैसे खाएंगे, गरीब आदमी ये नहीं सोच सकते हैं। अच्छा, इससे पहले टमाटर का इतना, टमाटर कुछ लोग कह रहे हैं कि किलो। अच्छा नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि टमाटर के बिना ऐसा थोड़ा है नहीं कि जिएंगे नहीं। नहीं जीते हैं, लेकिन मजबूरी इंसान के लेने पड़ते हैं, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, लेने पड़ेंगे ना थोड़ा बहुत, जैसे गरीब आदमी है कैसे भी तो जीने पड़ेंगे सर, तो जैसे होता लेने पड़ते हैं, और क्या यही है। अच्छा, सब्जी लेने आई हैं आप, कैसा रेट है इस समय? 40-50। अच्छा, ऐसे है। और कौन सा सब्जी है? 40-50 का है। हाँ, ये 40। तो पहले से महंगा, सस्ता है इस समय? पहले से महंगा है। नहीं तो कितने दिन, अचानक हो गया कि धीरे धीरे हुआ? धीरे धीरे हुआ है। टमाटर कब से नहीं लिए? टमाटर हम चाहे मांग रहे हो सस्ता रहो लेते हैं टमाटर। अभी लिए हैं? नहीं अभी नहीं लिए हैं, मगर घर पे रखा है। अच्छा, हाँ। पहले का रखा है? नहीं, हस्बैंड लाते हैं अशोक नगर से। अच्छा। हाँ। तो सब्जी मंडी में बहुत महंगा इस समय बता रहे हैं, 150 रुपये किलो है। हाँ, 200 पता है, 200 रुपये किलो टमाटर। अच्छा, कहे इतना कहे महंगा है इस समय, 50 रुपये पाव, इतना तो किलो भी नहीं होता है 50 रुपये का। ऐसा है सर, हम तो यही जानते हैं, कोई लोग कहते हैं बारिश की वजह से हो रहा है, कोई लोग कह रहे हैं सरकार की वजह से हो रहा है, अब दोनों के बीच में क्या है कुछ नहीं जानते। तो लोग कह रहे हैं कि पब्लिक इतनी है ही है, और पैदा हुए नहीं इस बार, और पब्लिक तो खा रही, लेकिन महंगा हो गया है, तो महंगे के पीछे जो है इतना कारण क्या हो सकता है कि महंगा मौसम की वजह से अगर महंगा हुआ है, तो इसका मौसम कहाँ से इफेक्ट पड़ेगा भाई, जितना पैदा हुआ हुआ उतना तो बेचना ही पड़ेगा ना आपको। नहीं सर, बेचना तो पड़ेगा, पर वो चीज़ हमारे पास इतना उपलब्ध नहीं मंडी में, आप पूरे मंडी में देख लीजिए, एक या दो ठेली वाले के पास ही टमाटर मिलेगा, पहले तो पूरे ट्रेली पर भरा रहता था, और आज तो टमाटर आ ही नहीं रही है, तो हम कैसे मान लीजिए बारिश का प्रकोप है या सरकार का प्रकोप है। अच्छा, कस्टमर तो ले ही नहीं रहे, दुकानदार भी नहीं लेकर के आ रहा, टमाटर नहीं आ रहा है,
क्योंकि जब दुकानदार को आगे महंगा मिलेगा और यहाँ पे महंगा बेचेगा तो खाने वाले को पास उतना पैसा होगा नहीं जो खाएगा। तो जाहिर सी बात है जो महंगाई गरीब पे ही पड़ रही है। अमीर आदमी खूब खा रहे हैं, गरीब आदमी मार खा रहे हैं। नहीं, महंगी तो हो गई है, बारिश की वजह से हो गई है। अच्छा, बारिश की वजह से क्यों हो जाएगी महंगी? खेत से क्या कर, अब तो बढ़िया बड़ी अच्छी रोडें हो गई हैं। अब तो सबको पहले होता था जाम फंस जाते थे लोग खेत में, आगे अगर पानी होगा उसमें बारिश पड़ेगी और उसमें आजकल तो पूरे सब कुछ बाढ़ आ रही है हर जगह, तो वो सब्जी कहाँ से उगेगी? बाढ़ तो अभी आई है पिछले एक हफ्ते में, तो बाढ़ आ रही है तो जो फसल पक गई है ऊपर बाढ़ ऊपर से पानी आ गया है तो खत्म होगी उसकी। अच्छा, तो ये लोग जो ला रहे हैं ये कहाँ से ला रहे हैं? ला रहे हैं तो बचा रहे होंगे, थोड़ी बहुत आ रही है, कहाँ थोड़ी सब थोड़ी खत्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये नहीं समझ में आती, जैसे अगर कोई चीज़ कम हो गई तो उसका रेट क्यों बढ़ जाता? भाई उतनी तो बेचनी है आपको, ज़्यादा महंगा करके ये क्या प्रॉफिट लेने का कोई हिसाब किताब है या कुछ और गणित है? प्रॉफिट का भी है। अच्छा, सब्जियां जो है ये परवल है इस बार या अरवी है, क्या रेट है इस समय, कितनी क्या कंडीशन है सब्जी के समय? सब्जी का ये 60 है, परवल भी 60 है, बैंगन भी 60 है। पहले से सस्ता पहले है से थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, हाँ, मतलब दो चार दिनों में जितना था? हाँ जी, उससे थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, हाँ, टमाटर का भी आज कम हुआ है। पहले क्या रेट था टमाटर? पहले था 150-100 ऐसे था, आज थोड़ा कम। आज कितने में लाई है? आज आधा किलो ली हूँ 60 का। थोड़ा जो पहले 4 दिन पहले जो बढ़ गया था उससे थोड़ा। अच्छा, 120 रुपए में खरीदा जा सकता है इसका, ये मान ले। अब क्या किया जाए, खरीद जहाँ मतलब किलो लेते थे वहाँ पा लेते हैं, वहाँ आधा किलो लेते हैं, पर टमाटर बिना चलता नहीं है ना। दाल भी बनाओ तभी भी थोड़ा टमाटर पड़ेगा, अभी सावन चल रहा है, प्याज लहसुन खाते नहीं है, इस करके टमाटर लेना पड़ता है। अच्छा मैडम, ये बताइए सब्जी के रेट कैसे हैं आजकल? बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। तो घर कैसे चल रहा है आजकल, घर कैसे चल रहा है? हम चला बहुत मुश्किल है, जैसे चला रहे वैसे चल रहा है। जहाँ 1 किलो लेते थे आधा किलो 1 पाव लेके काम चला लेते हैं, क्या करें। अच्छा, टमाटर कब से नहीं खरीदा आपने? टमाटर हम कहा महीने खरीदे भाई, इतना महंगा टमाटर मैं खरीद ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करें। अच्छा, आप भी लेने आए सब्जी, आप क्या कैसा है यहाँ के हालात, सब्जी देख करके कितना ले रहे हैं आप? बस 1-1 पाव ले रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा। अच्छा, तो खाना तो बंद नहीं कर सकते, महंगा तो इतना, क्या करें, मजबूरी है। पहले 1 किलो लेता था, अब आधा किलो ले रहा हूँ। ठीक चल रहा है? हाँ, बढ़िया है। अच्छा, आपका कहाँ ठेला लगता है? वो लगता है। अच्छा, सस्ती है सब्जी समय की? सस्ती है, सब सस्ता है। सब सस्ता है, हाँ। अच्छा, टमाटर बता रहे 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। 10 रुपए किलो था कोई, जब बोला कोई किसान था कि 10 रुपए किलो क्यों बिक रहा है यहाँ पे, जब आप किसी ने बोला कि जब 10 रुपए किलो बिक रहा है, जब कोई नहीं बोला कोई किसान जो मर रहा था, और थोड़ा महंगा हुआ किसान की कमाई है तो आप सब चिल्लाने लगी पब्लिक। अब किसान ठीक है? बढ़िया है, अब किसान के लिए ठीक हो रहा है, किसान के लिए बहुत बेस्ट हो रहा है। जब 10 रुपए किलो बिका था, आप कोई बोल रहा था, आप भी आए, कोई भी आए मीडिया वाला कि भाई किसान मारा है 10 रुपए किलो क्यों बिक रहा है, जब 10 रुपए किलो यहाँ बिक रहा है तो वहाँ क्या रेट बिक रहा है, वहाँ 2 रुपए किलो बिक रहा होगा, जब किसान खुशगरी कर रहा था कोई बोला, आप कोई बोला बताओ। नहीं तो ये रेट कौन तय करता है, दुकानदार तय करता है किसान तय करता है? किसान का, अब इस टाइम किसान का रेट हो रहा है खेतों पर, हिमाचल का जो हिमाचल का माल आ रहा है किसान का चल रहा है। अच्छा, तो किसान बताते हैं कि 150 रुपए, 100 रुपए किलो उनका 80-90 वहाँ बिक रहा है, तो यहाँ उनका आगे जो आकर यहाँ 100-120 जो भी चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। अच्छा, ये इस बार रेट जो किसान तय कर रहे हैं? हाँ, किसान तय कर रहा है, वो आर्थिक कमाई कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वो खर्चा जो ले रहा है किसान को, अब इस टाइम कमाई का टाइम होगा। जब अभी प्याज है नासिक में 2 रुपए किलो बिक्री थी, जब अभी कोई बोला कि किसान मरेगा जिंदा रहेगा, आप बताओ अब कैसी है प्याज? प्याज अभी इस टाइम 15-16 रुपए किलो, अभी किसान के लिए घाटा है, कम से कम 40 रुपए किलो मार्केट में, जब वहाँ 20-25 रुपए पैसे मिले किसान को। अच्छा, नहीं हाँ। लेकिन दुकानदार तो जो अगर 2 रुपए किलो भी लेकर के आता है तब भी जो वही रेट बेचता है 20 रुपए किलो ही, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 5 रुपए लाए 6 रुपए लाए तब भी 10-15 रुपए। अच्छा, तो मिला जुला रिएक्शन है, दुकानदार अपनी बात कह रहे हैं, कस्टमर अपनी बात कह रहा है कि हम तो कष्ट से मर रहे हैं, दुकानदार कह रहा है कि जो किसान है किसान का पहले किसी ने नहीं सुना, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो सबको जो परेशानी हो रही है। फिलहाल जो सब्जी मंडी के हालात हैं, अभी थोड़ी सी मामूली राहत है, लेकिन उतनी राहत नहीं है जितना एक सामान्य स्तर जो बनता है सब्जी के रेट का, अभी उस लेवल पर आना टमाटर और मिर्चों का बाकी है। कैमरा पर्सन पवन के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।